में 8 लाख के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें आत्मसमर्पण माओवादी उड़ीसा के केकेबीएन एरिया में डीवीसी के पद पर सक्रिय था और आत्मसमर्पित माओवादी का नाम सोनू उर्फ डॉक्टर प्रशांत मोडियम है। 2007 से माओवादी संगठन से जुड़कर डॉक्टर प्रशांत बीजापुर और उड़ीसा में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस इस माओवादी के आत्मसमर्पण को बड़ी कामयाबी मान रही है। ये केवल एक डीवीसी रैंक के अफसर की आत्मसमर्पण नहीं है, ये विचारधारा का आत्मसमर्पण है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, काफी सारी मेहनत के बाद इसको हम सरेंडर करवाने में सफल हुए। ये बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पुलिस के लिए एक बड़ा दिन है, एक बड़े डीवीसी जो कमांडर है उसको उसने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया है। उड़ीसा में नयागढ़ जो जगह है वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी जहाँ 4 राज्यों के माओवादी वो इकट्ठा हो गए थे, बड़ी घटना को वहाँ पे अंजाम दिए थे, उसमें ये सम्मिलित थे। प्रशांत मोडियम ये डॉक्टर के तौर पे जो नक्सली संगठन है उसमें वो सक्रिय थे, उन्होंने आज यहाँ पे एसपी और जो डीआईजी उनके सामने समर्पण किया। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसमें वो सम्मिलित रहे हैं और आखिरकार उन्होंने नक्सलवाद से तौबा क्यों किया है। प्रशांत जी, कितने साल से आप नक्सल संगठन में सक्रिय रहे? मैं पूरा से पूरा 11 साल है नक्सल संगठन में था। मैं नयागढ़ में 2007 से प्लानिंग किया, 2009 में ये हमला किया। पूरा 4 राज्यों का पूरा माओवादी जमा हुआ, उसके बाद एक ही समय एक ही टाइम एक ही दिन में ही हमला किया। अच्छा, आप मूलतः बीजापुर के रहने वाले, यहाँ पे कितने घटनाओं को में आप शामिल रहे हैं जो बड़ी घटनाएं हैं? इसमें तो बड़ी घटना कुछ ऐसा नहीं है, फामुलवाया है कि छोटा है तो बजी में है कि उसको दो ही घटना में शामिल हुआ। अच्छा, आप डॉक्टर का काम भी करते थे संगठन में, किन बड़े लीडर्स का आपने इलाज किया या कितने लोगों को आपने इलाज मुहैया कराया जो घायल होते थे मुठभेड़ में या इनकाउंटर में? बजी में घायल हुआ तो वो लोग को भी इलाज किए और तो एक जगह उधर बेजी साइड की घायल हुआ वो लोग को इलाज किया। बड़े बड़े माओवादी लोग हैं वो लोग को भी इलाज करता हूँ। नक्सल संगठन का तौबा करके आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं, आपने आत्मसमर्पण किया है, क्या वजह रहा आपको आत्मसमर्पण के मुख्य धारा में लौटने का? मैं तो लौटने का एक काम होता, मैं रहने का नहीं सकता, इसलिए मैं रिटर्न आया कि बीजापुर मेरा घर है, बीजापुर है, थाना है, बीजापुर रहता हूँ। तो वहाँ क्या आपको किसी तरीके से कोई प्रताड़ित या मारपीट ऐसा कुछ भी किया जाता था? ऐसा मारपीट कुछ है लेकिन मैं आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादातर लोग जो है उड़ीसा जा रहे हैं नक्सल संगठन में शामिल होने के लिए, क्या बात है? वो लोग तो जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हो गए कि मेरा का 2 साल हो रहे कि नहीं पता है कि वो लोग जा रहे हैं। अभी तो देखने से थोड़ा बहुत है, ये सुकमा जिला में माओवाद का है थोड़ा। तो सुकमा जिले में माओवाद बड़ा है जी, उसमें ही थोड़ा बढ़ रहा है कि माओवादी का संगठन की ओर रिक्रूट हो। बीजापुर में कम हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बीजापुर में थोड़ा कम है। ये थे प्रशांत जो नक्सल संगठन में सक्रिय थे पिछले 11 साल से और जो बड़े नक्सल लीडर हैं जो घायल होते थे मुठभेड़ में उनका वो इलाज करते थे और एक उड़ीसा में वो ज़्यादातर समय सक्रिय रहे हैं और बहुत सारे घायलों को उन्होंने इलाज किया है। बहरहाल, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता का दिन आज है। बीजापुर से पवन दुर्गम, स्वराज एक्सप्रेस।